नमस्कार मित्रों, आज की हमारी इस प्रस्तुति में हम बात करने जा रहे हैं सप्त देवालय की और जानेंगे सप्त देवालय से जुड़े श्री राधा रमन मंदिर, श्री राधा दामोदर मंदिर और श्री राधा गोकुलानंद मंदिर के बारे में और कैसे हुई इन देवालयों की स्थापना। वृंदावन के वक्ष को मरम न जाने कोय, डार डार और पात पात श्री राधे राधे होय। नमस्कार मित्रों, हमारी इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जब जीवन में समस्याएं अनंत हों और रास्ता एक भी ना दिखे तो बंसी बजाने वाले के ऊपर सब छोड़ देना चाहिए। जिन्होंने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, उनके लिए आपकी समस्याओं का समाधान करना कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण भक्ति एक ऐसी भक्ति है जहां आपको कोई विधि विधान नहीं मानना, ना कोई कर्म कांड करना है, सिर्फ आनंदित मन से प्रभु का स्मरण करना है। अब जब कृष्ण की बात हो रही है तो वृंदावन की बात कैसे ना हो। चलिए आज आपको वृंदावन की सप्त देवालय में से एक अति सुंदर वातावरण प्रदान करने वाले मंदिर श्री राधा रमन के दर्शन करवाते हैं। राधा रमन जी का प्राकट्य संवत 1599 में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा को गए थे तो चतुर्मास जो है एक जगह बिताते हैं, चतुर्मास में भ्रमण नहीं करते हैं। तो इन्होंने श्रीरंगम में वेंकट भट्ट के यहाँ प्रवास किया था, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता थे और श्रीरंगम में अर्चक थे, सेवा करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब किशोर अवस्था में थे, उनकी भक्ति के प्रति ज़्यादा आकर्षण और चैतन्य महाप्रभु ने बच्चे में कुछ विशेष मेधावीपन देखा तो महाप्रभु ने स्वयं उन्हें कंठीबद्ध किया, गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और पिता से ये कहा कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाए तो इसे आप वृंदावन भेज दें। यहाँ पिछले 477 सालों से एक भट्टी लगातार जल रही है। कई वर्षों से जल रही इस भट्टी का उपयोग ठाकुर जी की रसोई तैयार करने के लिए किया जाता है। श्री राधा रमन मंदिर में दीपक जलाने से लेकर प्रसाद तैयार करने में भी इस भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इस भट्टी व रसोई के बारे में बताते हुए सेवक गोस्वामी जी कहते हैं कि ये भट्टी हमेशा जलती रहती है। हर रोज इस्तेमाल में आने वाली 10 फुट की इस भट्टी को रात के समय ढक दिया जाता है। सबसे पहले इसमें लकड़ियां डाली जाती हैं और इसके बाद ऊपर से राख उड़ा दी जाती है ताकि इसकी ज्वाला शांत ना हो। दूसरे दिन सुबह फिर से उपले व लकड़ियों को इसमें डालकर जला दिया जाता है। राधा रमन जी के जब प्रकट हुए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ये मान लिया कि हमें इस रूप में महाप्रभु मिल गए। श्री राधा रमन मंदिर करीब 500 साल पुराना है। इसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोस्वामी गोपाल भट्ट ने की थी। मंदिर में एक बड़ा सा हॉल है जिसमें श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है।
कहा जाता है कि ये प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस प्रतिमा की कई बार जांच हुई, लेकिन यही ज्ञात होता है कि इस प्रतिमा में कोई जोड़ नहीं है और ना ही इस प्रतिमा में कोई तराशने के निशान है। प्रतिमा इतनी सुंदर है कि जो एक बार देख ले वो इसे बार बार देखना चाहता है। राधा रमन टेम्पल अपने आप में राधा रमन घेरा कहा जाता है। इस घेरे में ही सभी गोस्वामियों के नाम है। हम लोगों का पोस्टल एड्रेस भी जो है राधा रमन घेरा, और राधा रमन घेरा फाटक से अंदर तक के अलावे कम से कम दाएं बाएं तीन रास्ते जो हैं जाने के, उसमें 8-10 मकान बाहर तक जो है वो सभी राधा रमन घेरे के नाम से है। बगल में निजी वन की बाउंड्री है। वृंदावन आने का मतलब कि हमारा जो सोल का कनेक्शन है हमें वो यहाँ पे फील होता है। बॉडी लेवल पे तो हम हर जगह काम कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं गुजारा करने के लिए, पर इंटरनल चीज हमें वृंदावन आके ही मिलती है, और यहाँ पे आके आंख अश्रु ऐसे बहते हैं जैसे अपने घर आ गए हो। मेरे को एक्सपीरियंस करना था श्री कृष्णास कॉन्शियसनेस, मतलब वो कहाँ पे है कैसे। मेरा पर्सनल अनुभव है कि आप झाड़ू भी मार रहे हो तब भी आपको लगेगा वो आपके साथ है, आप कहीं पे बैठे भी हो तब भी आपको लगेगा वो आपके साथ है, भीड़ में भी जा रहे हो लोग आपको क्रश कर रहे हैं तब भी आपको लगेगा वो आपके साथ है। अब जैसे ही सेवा करते हो आपको ऐसे अंदर से फीलिंग आती है, बता नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी भाव है, सही में मैं वर्ड्स में नहीं कन्वर्ट कर सकता। सच्चे मन से आप कुछ भी यहाँ पे मांगोगे, कोई भी छोटी से छोटी इच्छा होगी वो तुरंत विदिन फ्यू सेकंड्स आपकी पूरी हो जाएगी अगर आपका भाव शुद्ध है। हमारे यहाँ की मंदिर की इतनी विशेषताएं हैं कि अगर आप मन के अंदर कोई धारणा लेके ठाकुर जी के समक्ष आके खड़े भी हो गए ना तो वो धारणा अपने आप ही पूरी हो जाएगी। ऐसे बहुत से इतिहास रहे हैं कि किसी ने जो मान्यता मानी वो दर्शन मात्र की कृपा से ही वो पूरी हो जाती है। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय। अब बात करते हैं श्री राधा दामोदर जी मंदिर के बारे में। वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी के ठाकुर राधा दामोदर है। वृंदावन के लोई बाजार के समीप है सेवा कुंज। सेवा कुंज के करीब स्थित है राधा दामोदर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण श्री जीव गोस्वामी जी ने 1542 ईस्वी में किया था। यहाँ के मुख्य विग्रह हैं श्री राधा दामोदर जी। दामोदर जी के चरण लाल कमल के पुष्प के समान दिखाई पड़ते हैं। भगवान के पूरे शरीर का श्रृंगार चंदन से किया जाता है। हल्दी मिश्रित चंदन से उनके शरीर पर बड़ी ही सुंदर बेल बूटियां उकेरी जाती हैं। गोल गोल गालों पर चंदन से बने पुष्प मन को मोह लेते हैं। बड़ी बड़ी सुर्ख लाल कमल की पत्तियों के समान उनकी आंखें, मुख पर मुस्कान तथा सिर पर मोर पंख धारण किए हुए उनके रूप को शब्दों में बांधना संभव नहीं है। अब आपको बताते हैं
श्री कृष्ण को दामोदर नाम से भी क्यों जाना जाता है? वास्तव में दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट। जब माता यशोदा ने भगवान को रस्सी की सहायता से बांध दिया तो गोपियों ने भगवान का नाम दामोदर रख दिया, अर्थात जिसका उदर रस्सी से बंधा हो। तभी से श्री कृष्ण को दामोदर भी कहा जाने लगा। सप्त देवालय में इस मंदिर का काफी महत्व है। मान्यता के अनुसार राधा दामोदर मंदिर की चार परिक्रमा करने पर पूरे गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है। मंदिर में गोवर्धन की चरण शिला भी पूजित है। ये शिला सनातन गोस्वामी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान की थी। एक कथा के अनुसार सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन वृंदावन से गोवर्धन जी की परिक्रमा करने जाया करते थे। जब वो 90 वर्ष के हो गए तब भी उनका ये नियम जारी रहा, लेकिन वृद्धावस्था के कारण वो काफी थक जाया करते थे। अपने भक्तों को इस अवस्था में देखकर भगवान को भी उन पर करुणा आ गई और भगवान कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि अब आप ऐसे परिक्रमा पर न जाया करें, आप बूढ़े हो गए हैं, अपनी कुटिया में ही ध्यान भजन किया करें। इसके बाद भगवान कृष्ण ने सनातन गोस्वामी को एक शिला प्रदान की। उस शिला पर भगवान के चरण, बांसुरी लकुटी और एक गाय के चिन्ह थे। भगवान ने कहा कि कल से आप इन चार चिन्हों से युक्त इस शिला के चार परिक्रमा कर लेना तो आप गोवर्धन की पूर्ण परिक्रमा का फल पाओगे, जिसके बाद शिला को राधा दामोदर मंदिर में स्थापित किया गया। राधा दामोदर मंदिर में विशेष और विशेष दर्शन जो होते हैं, जो वृंदावन में सारे 5000 मंदिर हैं किसी मंदिर में वो दर्शन नहीं होते हैं, वो है गिरिराज महाराज का चरण शिला। मंदिर के केंद्रीय विग्रह में कृष्ण की बाईं ओर राधा जी और दाईं ओर ललिता सखी हैं। मंदिर में विभिन्न गोस्वामियों की आराध्य राधा कृष्ण की कई प्रतिमाएं हैं। साथ ही रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी की समाधियां हैं। यहां इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद स्वामी की कुर्ति भी है। मंदिर के पिछले हिस्से में एक गौशाला भी है। कार्तिक मास में राधा दामोदर जी की पूजा का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों ना हो, वो कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। वहीं तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजन विधि खुले आकाश के नीचे करनी चाहिए। सभी देश विदेश के भक्त आते हैं राधा दामोदर जी से
और सभी गोस्वामी चरणारविंद में समाधि का दर्शन करते हैं और उनके चरण बिंदुओं में चरण कमल में अपनी प्रीति और अपनी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे प्रेम भक्ति प्रदान करो और साथ साथ राधा दामोदर जी की कृपा प्रदान। तो ये ब्रजवासी लोग आज भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें वृंदावन का ही वास मिले और हमारी ओर आप निहारो और हम पे कृपा प्रदान करो। राधे राधे, हरे कृष्णा। अब आपको दर्शन करवाते हैं श्री राधा गोकुलानंद मंदिर के, जो केसी घाट और राधा रमन मंदिर के बीच में स्थित है। ये एक प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थल है जो कई देवियों को समर्पित है। मंदिर में राधा, विजया और गोविंदा के अलावा अन्य देवी देवताओं को भी प्रतिष्ठापित किया गया है। पुराने समय में यहां की देवियों की अलग अलग पूजा की जाती थी। हालांकि जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ये मंदिर बनवाया तो उन्होंने सभी देवियों को एक साथ रखा। मंदिर परिसर में नरोत्तम दास और गंगा नारायण की समाधि भी है। भले ही प्राचीन समय में हुए भव्य निर्माणों की तुलना में ये मंदिर बेहद साधारण है, फिर भी इसका अपना अलग महत्व है। पौराणिक कथा अनुसार गोकुलानंद शिला भगवान चैतन्य द्वारा उनके शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी को उपहार में दी गई थी। ये भगवान चैतन्य के पवित्र अंगूठे के निशान को धारण करता है। शिला अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण मंदिर में एक असाधारण स्थान रखती है। राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। तो ये ब्रजवासी लोग आज भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें वृंदावन का ही वास मिले और हमारी ओर आप निहारो और हम पे कृपा प्रदान करो। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की हमारी इस प्रस्तुति में आपने श्री राधा रमण मंदिर, श्री राधा दामोदर मंदिर और श्री गोकुलानंद मंदिर के दर्शन किए। सप्त देवालय की इस कड़ी में हम आगे आपको दर्शन कराएंगे श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर, श्री गोविंद देव जी मंदिर और श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर के। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।